हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। गाइस, दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, हाँ, आप लोग यही देख रहे हो तो आप लोग सोच रहे कि ऐसा कोई वीडियो आया नहीं था अभी कि इसमें मैंने ऐसा बनाया था। तो गाइस, मैं आप लोग को पूरा बता देता हूँ क्या हुआ था। तो गाइस, मुझे लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इतना ही एक बार छोड़ दिया। तो जो चेंजेस है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये पूरा दीवार खड़ा हो चुका है, नीचे मैंने पूरा डर्ट से भर दिया था और ये थोड़ा मैंने सीलिंग कंप्लीट करने की कोशिश किया था। और एक और चीज़ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मुझे एक जन ने कहा कि क्राफ्टिंग टेबल से रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं पर बनते कम है, और स्टोन कटर से एक ही स्टोन से एक स्टार बनता है, तो उससे मतलब रिसोर्स कम लग रहे पर चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये बनाया था। तो इसमें मेरे को लगा था स्टोन और आयरन, हाँ मुझे इसमें स्टोन और आयरन लगा था। तो अभी गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना कैसल कंप्लीट ही कर लेते हैं जब पिछले बार से हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ मैंने कुछ देखा, ओह ये बिल्ली मेरे पास आ गई। मैं काम करता हूँ, रुको, मेरे पास एक अभी आइडिया है। मेरे पास स्ट्रिंग्स तो पड़ी हुई है दो ठू, अब मेरे को चाहिए स्टिक्स, इससे मैं पहले बना लेता हूँ थोड़ा सा फिशिंग रॉड, उससे वो जो भी बिल्ली कह सकते हैं आप उसको, उसके लिए मैं अभी उसके लिए थोड़ा फिश पकड़ के लाता हूँ। मेरे को जितना लगता है वो फिश ही खाती होगी। तो अभी हम लोग क्या बना सकते हैं, फिशिंग रॉड बना सकते हैं ना। एक फिशिंग रॉड मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो यहाँ पर मैंने फिश तो देखी थी, होगी फिश यहाँ पर, वेट करते आई, आहा छूट गई। यहाँ पर डालते, देखो यहाँ बहुत सारी फिश है। अरे कोई तो फिश आ जाओ, पफर फिश का क्या करूँगा मैं अभी, वो पफर फिश ही थी मेरे को जहाँ तक याद है। अरे आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे को बस उसको एक बार टेम कर लेने दो। आई आई आई, चलो मेरे को एक फिश तो मिली, बहुत सारा फिश पकड़ लेते उस, पता नहीं। अरे 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 अरे, निकलो 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 निकलो। अरे पिलेजर मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हैं, ओ इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो मेरे को उन लोगों के फाइट से क्या करना है, मुझे तो बस अपने फिश पकड़ने थोड़े बहुत। मैंने पहले ही ले लिया यार, चलो मेरे को दो फिश तो मिल गई। यहाँ पर बहुत सारी फिश है, यहाँ पर डालते हैं। मैं लोगों नीचे जाके ही मार देता हूँ, पर नीचे सब भाई साहब भी तो है, हम लोग को मारने के लिए खड़े। चलो हम लोग फिशिंग से ही ले लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने फिशिंग करके बहुत सारी मछली तो पकड़ ही लिया, मेरे को एक वाटर बॉटल भी मिल गया, और जो यहाँ नीचे पिलेजर था ना उसको मार के मैंने उसका क्रॉसबो एरो भी ले लिया। और मेरे को पता नहीं था कि वाटर बॉटल और ये सभी मिलता है, मेरे को लगा सिर्फ फिश ही मिलते हैं यहाँ पर। वो बिल्ली की कोई कमी है नहीं, उसको अभी खोज के आते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी रहती है, पर आज मुझे मैं फिश लेके आया हूँ तो कोई नहीं आएगी। चलो फिश बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, पता नहीं, अभी मेरे को फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले उसी को खोजते हम लोग। अरे यार आज मिलेगी नहीं क्या, ये पैरेट क्या खाते हो आप, मैं आपको पालना है, क्या खाते हो आप बताओ, मेरे को बता ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अभी हम लोग के पास शायद कोबल स्टोन तो होना चाहिए, तो हम लोग के पास सिर्फ 27 ही कोबल स्टोन है अभी। तो मैं पहले इसको लगाता हूँ, और अभी थोड़ी देर में ही रात होने वाली है, पर कोई बात नहीं, हम लोग अपने कैसल के अंदर ही चले जाएंगे। अगर वहाँ मॉब स्पॉन होंगे तो हम लोग उसको मार देंगे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर मेरे पास अपना स्वॉर्ड भी है। अरे यार मैं बाहर क्यों गिर गया,
चलो ठीक है, अगर शाम होने वाली है, मैं बाहर गिरी गया तो अपने घर में चलते हैं, मतलब अपने वॉच टावर में ही चलते हैं। मुझे एक और चीज़ देखना है, ये कुछ और भी बना सकता है क्या स्टोन के अलावा? स्टोन हाँ, कुछ ना कुछ तो बना ही सकता है ये, उनको पता ही था ये कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही। तो मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर वॉल्स बना लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, वॉल्स तो बाद में डिफेंस में आएगा, पर डिफेंस के लिए पहले कैसल भी तो होना चाहिए। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम, पर रात होने का वेट नहीं किया मैंने, पहले ही सो गया मैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ सीधा नीचे, और अभी मैं ये पूरा कैसल को ना पहले ऊपर से कंप्लीट कर देता हूँ। पर वैसे मुझे पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो यहाँ पर है इसको मैं ऐसे कंप्लीट करने वाला हूँ, मतलब दो ब्लॉक इस साइड से, दो ब्लॉक इस साइड से, फिर बीच में ना एक वो आप कह सकते हो पिरामिड, इसका जो पिरामिड होगा वो बनाएंगे हम लोग। तो मैं फिश एवर अपने पास ही रख लेता हूँ, बाई चांस कहीं पर भी दिखी तो मैं उसको खिला दूंगा। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और अब मैं आप लोग को सीधा ले चलता हूँ जहाँ मैंने पूरा कैसल कंप्लीट कर दिया होगा। तो गाइस अभी मेरे को बीच में कोबलस्टोन की कमी पड़ी थी जैसे ही मुझे लगा था, तो मैंने यहाँ से 64 और 27 ब्लॉक्स यहाँ से स्टोन के और ले आए, मतलब कोबलस्टोन के। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यहीं से मैं अंदर छलांग लगा लूँ, और यहाँ पर ना मेरे को एक वॉल भी खड़ा करना पड़ेगा, वरना मेरे अलावा बहुत लोग को छलांग लगानी आती है। कोई बात नहीं, इस ब्लॉक को बाद में तोड़ देंगे, पहले हम लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब आप लोगों को सीधा कैसल का रूफ कंप्लीट करके ही मिलूंगा। गाइस अभी ये कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 11 ब्लॉक्स, मतलब 12 ब्लॉक्स बच चुके हैं, एक ब्लॉक वहाँ भूल से लग चुका है मेरे से, तो 12 ब्लॉक्स बच चुके हैं। तो मुझे अभी ऊपर जाना है, तो मैं काम करता हूँ, ये सैंड है ना मेरे पास, सैंड से ही सीढ़ी बना लेते हैं जैसे वहाँ बनाया हुआ है। तो पहले मैं यहाँ चढ़ता हूँ, फिर ऐसे एक तीन, ठीक है। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी मैं मुझे चाहिए एक वैसा ब्लॉक, डॉट लगा देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ डर्ट लगाया, और अब हम लोग की पूरी सीढ़ी के काम है, सीढ़ी का काम है, तो ऐसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली अभी 2 दिन बाद आई थिंक मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, 1 या 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन तो पक्का ही हो चुका है। मैंने ये अपना ये स्टोन ब्रिक्स का ये जो ऊपर पिरामिड था उसको कंप्लीट कर लिया, और अभी मैंने यहाँ पर ग्लास भी लगा दिया ताकि इसका लाइट थोड़ा आते रहे सुबह के टाइम पर। और ये सब जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स था जिससे मैंने ये स्टोन ब्रिक्स लगाया था उसको मैंने हटा दिया। तो गाइस अभी ये हम लोग का फाइनल कैसल नहीं है, पर अभी के लिए यही हम लोग का कैसल रहेगा। और इसके ऊपर जाने का भी हम लोग को एक रास्ता बनाना है, तो वो भी हम लोग इसी एपिसोड में बनाने वाले हैं। मतलब आज हम लोग अपना मोटा मोटी कैसल पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। तो मुझे ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिससे हम लोग का ये कैसल बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास मतलब ब्लॉक्स मिलते हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं सारा ले लेता हूँ। तो ये नहीं, ये भी एक बार इधर रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। ऊपर भी मेरे पास एक लार्ज चेस्ट पड़ा हुआ है, ये चेस्ट पूरा भर गया था इसलिए मैंने यहाँ पर एक और चेस्ट लगा दिया। ग्रेनाइट भी ठीक है, एंथेसाइट भी लेंगे नीचे से, और ये सब निकाल दो। ग्रेनाइट और एंथेसाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। नीचे मेरे पास एंथेसाइट तो बहुत रखा था मैंने, अभी 13-14 ब्लॉक रखा था, यहाँ 3 था और उस तरफ भी शायद और होना चाहिए। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 6 ही ब्लॉक था। ऊपर भी था क्या? मेरे को लगता है होना चाहिए था और, पर और मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया।
कोई बात नहीं, यूज हो गया हो या कहीं वही गिरा हुआ होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोन कटर में वापस से अपना 6 एंथेसाइट डाला और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ये वाला पॉलिश्ड एंथेसाइट स्टेयर्स। इसका भी यही वाला स्टेयर्स बना लेते हैं। तो इसका 9 स्टेयर्स बन चुका है, उसका 6 स्टेयर्स बना है। तो अभी हम लोग ऊपर से करते, तो जो ज़्यादा ब्लॉक्स हैं वो यहाँ रखो। और अब मुझे चाहिए एक वैसा ब्लॉक जैसे डर्ट या कुछ। इतने सारे ट्राइडेंट्स हैं, मैं ही तो लूंगा ही, मारना मत बस। ओ गोल्ड मिल गया, अरे भाई तो सही है। मारो मारो सबको मारो, आजा ट्राइडेंट मार, नहीं जो भी है तेरे पास फेंक के तो दिखा। कोई मेरे को मारने का कोशिश किया मेरे को लग रहा है। ओ यहाँ पर एक ललामा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं है खड़ा हुआ है। बस मेरे को मत मारना कोई भी, प्लीज 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 प्लीज। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। चलो बच गए, देख रहे हो कितना हेल्थ ले लिया एक बार में। कोई बार नहीं, रोटेन फ्लैश ही खा लेते, कोई पोषण तो मिलेगा। नहीं पोषण नहीं मिला, वैसे तो मेरे को हर बार मिल जाता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत डर्ट उखाड़ लेते हैं, मुझे एक ही डर्ट चाहिए था। तो यहाँ से डर्ट निकाला मैंने और ये डर्ट को रखते हैं यहाँ पर। अब टाइम है 2 ये लगाने का, फिर इसको फिर से तोड़ते हम लोग। मिला, अब यहाँ लगाते हैं, यहाँ 2 और यहाँ, अरे गलत जगह लग गया, कोई बात नहीं उसको तोड़ देते हैं। यहाँ पिकैक्स भी टूटने वाला है, हैं 3 ही मिला, मेरा एक कहाँ गया। अरे यार तो बनिया, मेरे को पता चल गया इस लाइन में हम लोग को रखना है। और इस लाइन में एकदम कोना में, इसी लाइन में था, हाँ तो इसी लाइन में था। फिर हम लोग को यहाँ पर एक यहाँ रख देते हैं। और फिर ग्रेनाइट की कमी पड़ जा रही है, ग्रेनाइट ऐसे मिलता भी नहीं है, मैंने गलती कर दी। मेरे को ग्रेनाइट खोजना है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग के पास ये जो चार्ट हुआ है एक बार इसी को टेम्पोररीली लगा देते हैं। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को ये अपना एक दिया क्यों नहीं। टेम्पोररीली ऐसी एक बार लगा देते हैं ऊपर जाने के लिए। और यहीं से हम लोग ऐसे ही रखेंगे। मैं क्यों सोच रहा हूँ नीचे कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा ऐसे ऊपर ग्लास। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जाके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस अगर आप लोग को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला माइनक्राफ्ट एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कल मैं बहुत ही मस्त फ्री फायर का वीडियो डालने वाला हूँ, इसीलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोग के पास हर नोटिफिकेशन आ जाए।